بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند برادران عزیز اس عہد اس عصر اور اس صدی کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی فکری اور عملی بے چینیوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے جس پر پہلی محرم سے گفتگو ہو رہی ہے، مقام ختم نبوت اور انسان. موضوع یہ نہیں ہے کہ مقام ختم نبوت اور مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موضوع ہے مقام ختم نبوت اور انسان، چونکہ ہمارا رب ایک نسل کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارا نبی بھی ایک امت کے لیے نبی نہیں ہے، نہ رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین. اور یہ لقب گرامی رحمت للعالمین، یہ ہمارا آپ کا دیا ہوا تھوڑی لقب ہے یہاں حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو رحمت عالم نہیں کہا انہیں. اگر یہ لقب ہم نے دیا ہوتا، یہ منصب ہم نے بنایا ہوتا، تو ہمیں اختیار ہوتا کہ ہم اور جتنے لوگوں کو چاہیں اس منصب پر فائز کر دیں، جس کو چاہیں ہم یہ لقب دے دیں. مگر ظاہر ہے کہ پھر وہ منصب بھی ویسا ہی ہوتا جیسے ہم ہیں. اس لقب کی ارزش اور عظمت اور اہمیت بھی وہی اتنی ہی ہوتی جتنی ہماری ارزش اور اہمیت ہے، اور وہ رحمت بھی بس ویسی ہی رحمت ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
जैसी ही के हो सकती है। ये लकब गिरामी परवरदिगार आलम ने अता फरमाया है। सूरह मुबारक अंबिया उठाकर देखिए और पूरा कुरान उठाकर देखिए, तमाम नबियों का जिक्र है मगर रहमतुन लिल आलमीन का लकब हजरत खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लकब उनके लिए मखसूस है, इसलिए कि ये खसूसियत और ये वस्फ भी उन्हीं का है। कल मैंने अर्ज़ किया था या परसों एक मिसरा, एक है खालिक भी और मखलूक भी बस एक, वो रब्बुल आलमीन है और ये रहमतुन लिल आलमीन, और ये सबकी ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमान की इजारादारी रहमत मुस्तफ़ा पर नहीं है, ये बात तो एक शायर ने भी कही है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। हज़रत की ज़ात और आपका मनसब रहमतुल लिल आलमीन और मनसब खातिमियत, और उन्वान में जो मैंने अर्ज़ किया, तशरीफ़ लाएँ, यहाँ तशरीफ़ लाएँ, एक सलावत पढ़ें, बलंतर सलावात पढ़ दी, अनवान में जो मैंने अर्ज किया है मकाम खत्म नबूवत और इंसान, तो रूए सुखन इस पर भी ज्यादा नहीं है मेरा कि मैं ख़त्म नबूवत को साबित करूं, इसलिए कि वो साबित है, ख़त्म नबूवत साबित है। और अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस मौजू पे दलायल पेश किए जा सकते हैं, गुफ्तगू की जा सकती है, और ज़िमनन जो कुछ मुमकिन होगा अर्ज़ करूंगा। लेकिन अर्ज़ करना ये है कि इस मकाम ख़ातिमियत और इस मकाम नबूवत से आम इंसान को क्या बरकात हासिल हो रही है या हो सकते हैं। देखिए इस सिलसिले में एक हकीकत की तरफ इशारा कर दूं इजमालन, और वो हकीकत ये है जिसे कुरान मजीद ने भी पेश किया है कि वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्द यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून, और न जाने कितनी ही आयतें, कितनी ही निशानियाँ, कितने ही दलाइल आसमानों में और ज़मीन में पाए जाते हैं, लोग उन निशानियों के सामने से गुज़रते हैं, उन निशानियों पर से गुज़रते हैं मगर उससे रूगर्दानी के साथ गुज़र जाते हैं। दलाइल हक़, माबूद बरहक के वजूद की दलीलें, उसके एक होने की दलीलें, उसकी रुबूबियत की अमूमियत व शमूलियत व कामिलियत की दलीलें, और उसी ज़िम्न में नबूवत की के बरकात फैले हुए हैं आसमान और ज़मीन में, फैले हुए हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ शिद्दत ज़ुहूर की बिना पर मख्फी हो जाती है, शिद्दत ज़ुहूर की बिना पर।
इतनी जाहिर होती है कि तवज्जो देकर उसे देखने की जरूरत नहीं पेश आती। नतीजा ये होता है कि इंसान उससे गाफिल हो जाता है। शिद्दत ज़ुहूर की बिना पर खफा, पोशीदगी, यानी आलम शुहूद में मनसए शुहूद पर मंजर आम में मंजर आला पर हकीकत आश्कारा होती है और शिद्दत ज़ुहूर की बुनियाद पर वही हकीकत जो आश्कारा होती है एक गैबी हकीकत बन जाती है। जब मख्फी हो जाती है, अलबत्ता गैब निस्बी, गैब इज़ाफ़ी। अब बहमदिल्ला ये मैं आप हजरात के लिए कह रहा हूँ, आज से 9 बरस 10 बरस कबल जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो ये शिकायतें बहुत मिलती थीं कि आपकी उर्दू ख़राब है, इसे ठीक कीजिए। मगर अब खुदा का शुक्र है कि ये शिकवे कम होते हैं, मेरी उर्दू की शिकायत अब कम आती है मुझ तक। हो सकता है लिहाज करते हों आप लोग, मगर मैं क्या करूं कि जब बज़्म में दानिश्वर हजरात और उलमा और अफाज़िल और हौज़ा इल्मिया के पढ़े हुए लोग फ़ाज़िलीन नजफ़ व क़ौम व मशहद तशरीफ़ फरमा होते हैं, आज भी तशरीफ़ फरमाएँ, तो इनकी मौजूदगी में बहुत सी चीज़ें ख़ुद ब खुद ज़बान पर जारी हो जाती हैं। और उसका सबब यह है कि ये फ़ितरी तकाज़ा है कि जैसा मुखातब होता है वैसा ही खिताब होता है। और अगर मुखातबीन के मरातब हो बहुत हों और एक ही मौका खिताब हो, तवज्जो है। मजमे में कुछ दानिश्वर हजरात हैं, कुछ उलमा हैं, कुछ वो हैं कि जो इस्तिलाहन टेक्निकली दानिश्वर नहीं हैं, मगर हैं, उनका फर्श अज़ा पर आना दानिश्वरी की दलील है। उनका फर्श अज़ा पर आना दानिश पसंदी की, दानिशमंदी की, दानिश्वरी की दलील है। तो बहरहाल उनमें तफावत है, मरातिब हैं, दरजात हैं। तो एक मुकर्रर के ख़िताब में भी दरजात होंगे, कुछ जुमले मुजमल होंगे, कुछ मुफस्सल होंगे, कुछ जुमले मुतलक होंगे, कुछ मुकय्यद होंगे, कुछ जुमले मुतशाबे होंगे, कुछ मुहकम होंगे। कभी ये होगा कि एक जुमला एक ख़ास तबके को देखकर कहा जाएगा और कभी दूसरा जुमला उसके फौरन बाद अमूमी अंदाज का होगा। एक खतीब की गुफ्तगू में अगर इतनी सनातें हो सकती हैं तो जब रब अकबर मिंबर ख़त्म नबूवत पर ख़िताब फरमाएगा तो क़ुरान मजीद में कितनी तहदारियाँ होंगी। क़ुरान मजीद में कितनी तहदारियाँ होंगी। अब बात से बात निकलती चली आती है, जुमले मुतरजा था लेकिन एक बात यहीं पर आ गई तो अर्ज़ कर दूँ उन लोगों के लिए जो सिर्फ तर्जमा पढ़ के इज्तिहाद करना चाहते हैं, उनके लिए अर्ज़ कर दूँ कि तर्जमा पढ़ते हैं क़ुरान मजीद का और आयतों में रब्त नज़र नहीं आता तो कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह मज़मून बेरब्त है, आयतें बेरब्त हैं,
और कभी कहते हैं इसमें तजाद है। मैं बिला तशबीह मिसाल दे रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये तकरीर अगर एज इट इज़ जो कि तू लिख दी जाए तो एक चीज़ बन जाएगी, किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। वो लिखी हुई तकरीर पढ़ किसी को क्या मालूम कि मैंने जनाब मौलाना वजीरी साहब को देख के क्या जुमला कहा था, मौलाना मुदब्बिर साहब को देख के क्या जुमला कहा था, मौलाना सज्जाद साहब को देख के क्या जुमला कहा था, जनाब जुल्फ़कार साहब को देख के क्या जुमला कहा था, एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं उनकी तरफ देख कर क्या जुमला कहा था। ये वो बताएगा, जब तकरीर हो रही थी तो वो मौजूद था। ये वो बताएगा, ये वो बताएगा कि मैं मौजूद था जब तकरीर हो रही थी। लिखी हुई तकरीर पढ़कर आपकी कुछ समझ में नहीं आ सकता। अगर समझनी हो तकरीर तो मुझसे समझिए, इसलिए कि मैं पहली तकरीर से लेकर आखिरी तकरीर तक हुआ करता था। मैं तकरीर शुरू होने से पहले मौजूद होता था, तकरीर खत्म होने के बाद ठहरा रहता था। अगर कोई उनसे जुमला पूछता था तो वो जो बताते थे वो भी सुनता था। उस शख्स की ये बातें सब कबूल कर लेंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये जनाब अनानियत से काम लेते हैं, ये इनकी अनानियत है, किसी को कुछ समझते ही नहीं। क्या हम जबान नहीं जानते, क्या हम उर्दू नहीं जानते, क्या हमने इकबाल और गालिब को नहीं पढ़ा है जो हम अकील साहब की तकरीर नहीं समझ सकते। यही सूरत हुई, लोग समझने लगे क्या हमने इमराउल कैस को नहीं पढ़ा, क्या हमने जुहैर को नहीं पढ़ा, क्या हमने सबा मुअल्लकात नहीं पढ़े, क्या हमने अरबों की शायरी और खिताबत नहीं पढ़ी। कौन सी चीज है कुरान में जो हम समझ नहीं सकते। मगर एक शख्स था शख्सियत थी जो ये कहती रही कि देखो इस कुरान मजीद में कुछ मुतलक है, कुछ मुकय्यद है, कुछ नासिख है, कुछ मनसूख है, कुछ मुजमल है, कुछ मुबय्यन है, कुछ आम है, कुछ खास है। हमसे पूछो, हम जानते हैं कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, कौन सी बर में नाजिल हुई, कौन सी बहर में नाजिल हुई, कौन सी खलवत में नाजिल हुई, कौन सी जलवत में नाजिल हुई। पूछना हो तो हमसे पूछो। ये कहने वाला कोई और नहीं था सिवाय उस ज़ात गिरामी के जो मकाम ख़त्म नबूवत के बाद उस मकाम का मुहाफिज बना। वो पहली जिंदा मोहर ख़त्म नबूवत, वो सांस लेती हुई मोहर ख़त्म नबूवत, वो बोलती हुई जिंदा मोहर ख़त्म नबूवत, जिसका नाम अली मुर्तज़ा है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद। और बलंतर सलावत बात दरमियान में आ गई थी तो मैंने अर्ज़ कर दी। ये तो एक जुमले मुतरजा था, मगर मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि मौजू सुखन ये है
کہ مقام ختم نبوت سے انسان کو کیا کیا فائدے پہنچے, کیا کیا برکات حاصل ہیں, کتنی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں, اور ان نشانیوں سے انسان غافل گزر جاتا ہے, غافل گزر جاتا ہے. وہ شعر بھی پڑھ چکا ہوں عرب شاعر عرب کا آپ کے سامنے, کہ وہ فی کل شئین لہ آیتن تدل علی انہ واحد, ہر شے میں ہر ذرے میں ایک دلیل پوشیدہ ہے کہ وہ ذات خالق و باری ایک ہے. تو یہ برسبیل استشہاد کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف آیتیں بکھری ہوئی ہیں, خود وجود باری تعالیٰ کی آیتیں اور اسی طرح نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیتیں بکھری ہوئی ہیں اور دو مراتب ہیں برکات وجود مبارک ختمی مرتبت, اتنے ہیں کہ انہیں انسان احصا نہیں کر سکتا, شمار نہیں کر سکتا, لیکن غفلت بھی اتنی ہے انسان کی کہ عام دلیلیں تو جانے دیجئے, جو خاص خاص دلیلیں ہیں انہی سے غفلت برت رہا ہے. میں نے ذکر علی کیوں چھیڑا تھا, کیوں زبان پر آ گیا تھا, چھیڑا نہیں تھا زبان پر آ گیا تھا, اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی وجود مبارک مرتضیٰ ہے. من جملہ دلائل ختم نبوت. میں بہت سی باتیں تقریب استدلال کے طور پر کہی جا سکتی ہیں, مگر ایک بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک شبہ بے خبن سے ختم ہو جائے. بار بار یہ شبہ آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, اب اس کی تفصیل اگر عرض کروں گا تو مزاج گفتگو کا بدل جائے گا. دلیل نبوت پیغمبر کیا ہے؟ قرآن. بہت سی دلیلیں, اس میں سب سے بڑی دلیل قرآن. قرآن یعنی وحی الہی, وہی جس کی طرف آپ نے کہا کہ یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوتی ہے. یہ وحی الہی, یہ قرآن, یہ دلیل نبوت پیغمبر ہے. قرآن معجزہ ہے. پیغمبر کی خاتمیت کا اعلان اسی قرآن میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نبوت ختم ہو گئی. بے شک. اب اگر بعد پیغمبر خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی حفاظت نہ ہو پائے تو پھر ختم نبوت باقی رہے گی. توجہ ہے, ایک سنگین مسئلہ ہے, کہہ کے گزر جانے دیجئے. اصل پیغام جو لے کر آئے ہیں پیغمبر, وہ کل کا کل پیغام, اس کا ٹیکسٹ, اس کا متن کہاں محفوظ ہے؟ قرآن میں. اگر نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ہو جائے, قرآن میں رد و بدل ہو جائے, تو اس کے معنی یہی تو ہیں کہ پیغام خداوندی محفوظ نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ متن دین, وہ ٹیکسٹ, وہ جو حضور لائے تھے مقام ختم نبوت پر فائز ہونے کے باوجود باوصف, وہ محفوظ نہیں رہا تو پھر نبوت و ختم نبوت کا فائدہ سبحان اللہ سبحان ضائع ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان, نعوذ باللہ. امت میں طرح طرح کے افراد ہیں, بے شک بے شک, آج بھی ہیں کل بھی تھے, آج بھی کوششیں ہوتی ہیں دین کو بدلنے کی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کل بھی کوششیں ہوتی تھیں ہوئیں, کوششیں نہ ہوئی ہوتی تو اتنے تفرقے کیوں ہوتے, اتنے فرقے کیوں وجود میں آتے؟ اس لیے توجہ رکھیے گا کہ بعد مقام ختم نبوت
परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में वादा किया था कि हमने ये जिक्र नाजिल किया है, हमने कुरान नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। किसका वादा है? खुदा का वादा है। खुदा का जब वादा है कि हम कुरान की हिफाजत करेंगे तो हिफाजत का होना यकीनी है। मगर हमने मिजाज कुदरत को देखा है। वाह वाह वाह। इसी कुरान में खुदा जितने वादे करता है वो सब पूरे करता है, मगर हर वादा पूरा करने का वसीला और जरिया भी सामने लाता है। खुदा ने हम सब से वादा किया, तमाम बंदों से वादा किया है, हम रिस्क देंगे। वादा है या नहीं? सच्चा वादा है या नऊज़ु बिल्लाह हमारे पॉलिटिशियंस जैसा वादा है? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा रा आप गलत फहमी का शिकार ना हो, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। अल्लाह का वादा है, हजरत हक सुबहानहु व तआला का वादा है। वादा है, ये वादा पूरा भी हो रहा है। जमीन रिस्क उगल रही है, आसमान रिस्क बरसा रहा है, सरमाया परस्त खयानत कर रहा है। इसलिए बहुत से लोग मुफलिस हैं, फकीर हैं, नादार हैं। खुदा का वादा पूरा हो रहा है, लेकिन जो वादा हो रहा है तो असबाब वसाइल से, आसमान वसीला है, समंदर वसीला है, जमीन वसीला है। ऐसा नहीं है कि परवरदिगार ने वादा किया है कि हम रिस्क देंगे तो हर वक्त जब भूख लगे तो भूख थोड़ी देर में खुद ब खुद मिट जाए। तवज्जो है, परवरदिगार आलम का फैसला ये है कि इस दुनिया में, इस खाकनाए दहर में, इस जमानो मकान में जो भी अम्र अंजाम देगा वो असबाब और वसाइल के जरिए उसका फैसला है। जो भी वो करम फरमाएगा किसी वसीले के जरिए से उसका फैसला है। तो रिस्क के सिलसिले में जमीन रिस्क उगल रही है, समंदरों से रिस्क हासिल होता है, लेकिन देने वाला कौन है? परवरदिगार। तो कोई वास्ता है ना दरमियान में? रोटी जो मुंह तक आती है इसका वास्ता है ना? और मुमकिन नहीं है कि कोई उन वसीलों और वास्तों से सर्फ नजर करके भूख मिटा ले। इस दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। इस धरती पर, इस जमीन पर, इस खाकनाए दहर में ये मुमकिन नहीं है कोई कहे कि हम जमीन से रिस्क हासिल नहीं करेंगे, हम समंदरों से रिस्क हासिल नहीं करेंगे, ये सब गैर खुदा हैं। हम बराहे रास बस खुदा से रिस्क लेंगे। बस हम खुदा से रिस्क लेंगे। किसान कहे हम जमीन क्यों जोते हैं, हम दाना क्यों बिखेरें, क्यों बोएं, क्यों मेहनत करें, समंदरों में जाके मछलियों का शिकार क्यों करें, ये सारा एहतमाम क्यों करें? हरगिज नहीं, जमीन गैर खुदा है, इसका सहारा नहीं लेंगे हम।
सुभान अल्लाह, इसकी मदद नहीं लेंगे। पानी गैर खुदा है, सब गैर खुदा है, बेशक सब मखलूक है, मगर भूख मिटाने के लिए जिस्म की तमाम वसाइल का, उन आदाब के साथ जो उन वसाइल को बरतने के आदाब हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ जो उसके लिए मखसूस और मुकर्रर है, हम उसे इख्तियार करते हैं, बरतते हैं और उसके बाद रिस्क हासिल करते हैं। देता खुदा है इतने हिजाबात से, इतने पर्दों से के पीछे दस्ते खुदा है। जमीन एक हिजाब है, देने वाला दस्ते खुदा है, ये सब हिजाबात हैं, इसके पीछे दस्त कुदरत है, इससे रिस्क हासिल होता है। बस एक ही मिसाल में वक्त चला गया। अब उसने वादा किया है कि हम हिदायत देंगे, जब वो हिदायत देने का वादा करता है तो हर इंसान बैठा रहे, हमें हिदायत मिल जाएगी, वाह 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 वाह, हमें हिदायत मिल जाएगी, नहीं ऐसे हिदायत नहीं मिलेगी। जिस तरीके से उसने रिस्क जिस्म के लिए बहुत से वास्ते खल्क किए, उसी तरह उसने रिस्क जा के लिए, रिस्क रूह इंसानी के लिए, इल्म हिदायत के लिए बहुत सी जमीनें और बहुत से आसमान खल्क किए। उसने जिस तरीके से जिस्म की भूख मिटाने के लिए समंदर खल्क किए और समंदरों में लजीज ग़िज़ाएं फराहम की, उसी तरह न जाने कितने समंदर इल्म के खल्क किए, न जाने कितने दरिया मारिफत के खल्क किए। जरूरत है कि उन दरियाओं तक पहुंचे, उन समंदरों तक पहुंचे, उन जमीनों तक पहुंचे, उन आसमानों तक पहुंचे, उन शहरों तक पहुंचे। जरूरी है ये मिसाल इसलिए दी थी कि मैं अर्ज करना चाहता था कि जो भी उसने वादा किया है वो वादा पूरा करता है, मगर इस दुनिया में, इस दार दुनिया में तमाम वादे उसके पूरे होते हैं, असबाब व वसाइल व वसाइत व ज़राए दरमियान में होते हैं। ये तमाम असबाब और वसाइल व वसाइत ये जहां एक जगह जमा हो जाए उसको अलल इतलाक कहते हैं वास्ते फैज़ इलाही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो है वास्ते फैज़ इलाही बेशक। लेकिन अब ये कुल्ली बहस जरा सा मिसाल दे दूं, बात हिफ्ज़ कुरान की थी, कुरान वही है, खिताब है, कुरान से पहले खतीब है, खिताब से पहले खतीब है, खतीब कुरान हजरत खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस तवज्जो रखिएगा, दो जुमले कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी के वही इलाही खिताब इलाही है, मगर कुरान की शक्ल में ये खिताब ज़बान नबी से हम तक पहुँचा और नबी कहलाए खतीब कुरान। तो दो चीज़ें हैं, एक है खिताब, एक है खतीब। अल्लाह ने इसी कुरान में खिताब की हिफाजत का भी वादा किया है, खतीब की नुसरत का भी। खतीब की नुसरत व मदद का वादा किया, खिताब की हिफाजत का वादा किया, और हमें दोनों वसीले साफ नजर आते हैं, हमें दोनों वसीले साफ नजर आते हैं। खिताब और खतीब का रिश्ता पहचानिए, ऐसा ही बिला फसल रिश्ता है जैसे बाप और बेटे का रिश्ता। खतीब और खिताब ऐसा ही रिश्ता है जैसे बाप और बेटे का रिश्ता,
और इसीलिए खुदा ने एहतमाम ये किया, खतीब की नुसरत का वादा किया तो बाप के जरिए से नुसरत की, खिताब की हिफाजत का वादा किया तो बेटे के जरिए से हिफाजत। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले, खतीब कुरान, खतीब कुरान, खतीब कुरान हजरत खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी नुसरत और मदद का वादा कुरान में है, और फिर यही नहीं है कि हम मदद करेंगे, ये भी है क्या हमने मदद नहीं की। अब तारीख दानों से पूछिए किसके जरिए से मदद की। एक नाम ऐसा है जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, बाकी सब को इख्तिलाफ हर चीज में हो सकता है, मगर इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि जाते गिरामी अबू तालिब वो थी जिसने पैगंबर की नुसरत और मदद की, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो बाप ने खतीब की नुसरत की और उसी अबू तालिब के बेटे अली इब्ने अबी तालिब ने खिताब की हिफाजत की। अभी तालिब के कायल हैं, वो तहरीफ़े कुरान के कायल हो ही नहीं सकते। इमामत के मानी है हिफाजत दीन, इमामत के मानी है हिफाजत दीन। अली तख्त व ताज छोड़ सकते थे, दुनिया छोड़ सकते थे, अली अपना हक जाया होता हुआ देख सकते थे, मगर कलामे इलाही में तहरीफ हो जाए ये अली के रहते हुए मुमकिन नहीं था। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले, बहैसियत इमाम इनका वजूद, बहैसियत वसी रसूल इनका वजूद, इसीलिए था कि दीन की हिफाजत करें। जिस अली ने शब हिजरत रसूल की दी हुई अमानतें पूरी हिफाजत के साथ उनको वापस की, जिनकी वो अमानतें थी, वो अली खत्म नबुव्वत की अमानत की हिफाजत में कितनी जिद्दोजहद कर सकते थे, कितनी कोशिशें की, कितनी कोशिशें की। ये सब बातें अगर तफसील से अर्ज की जाएं तो कैफियत मजलिस की यकीनन कुछ और होगी, आपके वजद हाल की कैफियत का मुझे अंदाज़ा है, मगर बात दूर तक पहुंचानी है, इसलिए कभी कभी आमदन वो जुमले नहीं कहता हूं कि जिससे आप बेहाल हो जाएं, आमदन नहीं कहता, हालांकि आपकी बेहाली दुनिया की खुशहाली का सबब बनती है।
बेहाली बेहाली नहीं, हजारों अहले सैर सलूक व अरबाब मारिफत व अहले तसव्वुफ का हाल आपकी इस बेहाली पर कुर्बान किया जा सकता है। बहैसियत इमाम इनका वजूद, बहैसियत वसी रसूल इनका वजूद, इसीलिए था कि दीन की हिफाजत करें। जिस अली ने शबे हिजरत रसूल की दी हुई अमानतें पूरी हिफाजत के साथ उनको वापस की जिनकी वो अमानतें थी, वो अली खत्म नबुव्वत की अमानत की हिफाजत में कितनी जिद्दोजहद कर सकते हैं, कितनी कोशिशें की, कितनी कोशिशें की। ये सब बातें अगर तफसील से अर्ज की जाएं तो कैफियत मजलिस की यकीनन कुछ और होगी, आपके वजद हाल की कैफियत का मुझे अंदाज़ा है, मगर बात दूर तक पहुंचानी है, इसलिए कभी कभी आमदन वो जुमले नहीं कहता हूं कि जिससे आप बेहाल हो जाएं, आमदन नहीं कहता, हालांकि आपकी बेहाली दुनिया की खुशहाली का सबब बनती है। बेहाली बेहाली नहीं, हजारों अहले सैर व सलूक व अरबाब मारिफत व अहले तसव्वुफ का हाल आपकी इस बेहाली पर कुर्बान किया जा सकता है। ये जो फजाइल सुनकर, ये जो फजाइल सुनकर कैफियत आप पर तारी होती है, ये इश्क हक और मोहब्बत हक की दलील है। बहरहाल गुफ्तगू को ज़रा एक कलिमा और आगे बढ़ा दूँ। कल तक गुफ्तगू ये हुई कि नबूवत ज़रूरत इंसानी है और दो सतहों पर यह ज़रूरत पूरी होती है, जहाँ तक आकल साथ देती है इंसान का वहाँ तक नबूवत आकल की ताईद और नुसरत करती है। ये बात आपके जहन नशीन हो चुकी होगी। और जहाँ आकल इंसान की रहनुमाई बजाय खुद बिल इस्तिक्लाल बग़ैर किसी सहारे के नहीं कर सकती, वहाँ से नबूवत मुकम्मल तौर पर हिदायत देती है, फैसले सादिर करती है, हुक्म नाफिज करती है। आकल किन किन चीज़ों में मुस्तकिल तौर पर हुक्म दे सकती है, ज़रा इस चीज़ को और समझ लें। मैंने एक मिसाल दी थी जो खालिस मंतिकी और अकली थी, खालिस मंतिकी और फलसफियाना थी, और वो मिसाल ऐसी थी जो तमाम उलूम इंसानी में, वाह वाह वाह, तमाम ब्रांचेज ऑफ साइंस में, वाह वाह वाह, नॉलेज की जितनी ब्रांचेज हैं, जितने डिसिप्लिन्स हैं, सब में वो यकसा तौर पर कारामद है, और वो है कानून तनाकुब। मैंने अर्ज़ किया था कि तनाकुब आकल का ये फैसला है कि तनाकुज मुहाल है, नकीवान ला यश्तमियान वला यर्तफियान मान, ये मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में रात भी हो और दिन भी हो, यानी ये मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में दिन हो भी और न भी हो, ये आकल का फैसला, इसमें किसी कानून गुजार की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कुछ और फैसले हैं जो जो अक्ल करती है, मसलन अक्ल की हदूद समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि नबूवत की खिदमतों को समझा जा सके। लोग किस बात पे नाज करते हैं, अक्ल ही पर तो, हमारे पास अक्ल है, हमारे पास दानिश है, हमारे पास बीनिश है, हम अपने मसाइल और मुश्किलात का हल तलाश कर सकते हैं, यही तो नाज है इंसान को। लेकिन ज़रा गौर कर लिया जाए कि इस आकल का इस्तिक्लाल कितनी देर कहाँ तक कायम रहता है, और कहाँ से ये आकल
मजबूर सी नजर आती है अक्ल बशरी, अक्ल इंसानी, अक्ल इंसानी। कबल इसके के कोई और मिसाल दूं, पहले एक और ऐसी खालिस मंतकी मिसाल दे दूं जिससे सब कबूल कर लेंगे, सब मुत्तफिक हो जाएंगे, और वो ये है कि अक्ल कुल्लियात का तो इदराक करती है, वाह 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 वाह, जुज़ियात का इदराक बराह रास्त अक्ल नहीं कर सकती। कुल्ली बातें, पूरी बातें अक्ल इदराक कर लेती है। अब इसकी मिसालें ये दी जा सकती हैं कि खुद यही मसला कि कुल जुज़्व से बड़ा होता है, जुज़्व कुल से छोटा होता है, ये कुलिया है, कायदा है। इसके लिए किसी नबी की, इमाम की, कानून गुजार की, वाइज की, मुर्शिद की जरूरत नहीं है। अक्ल ये फैसला करती है कि कुल बड़ा होता है, जुज छोटा होता है। अक्ल कहती है ना, अक्ल कहती है ना, कुल बड़ा होता है, जुज छोटा होता है। इसमें कभी किसी की अक्ल ने धोखा खाया है? मिसाल तो आगे बढ़ेगी मगर यहीं रुक कर एक जुमला कह दूं, हम हमेशा मुस्तफ़ा को कुल और अहले बैते मुस्तफ़ा को उनका जुज़ कहते हैं, हमेशा जुज़ कहते हैं, हमेशा जुज़ कहते हैं, हमेशा जुज़ कहते हैं। फिर दुनिया ये क्यों कहती है कि हम अहले बैत को मुस्तफ़ा से बढ़ा देते हैं? क्या वो अक्ल नहीं रखते? कुल बड़ा होता है, जुज छोटा होता है। अगर जुज की तारीफ की जा रही है तो वो कुल ही की तारीफ हो रही है, अगर जुज की तारीफ हो रही है तो वो कुल ही की तारीफ हो रही है, सिर्फ जुज की तारीफ नहीं है। ये अक्ल है जो समझाती है कि कुल बड़ा होता है, जुज छोटा होता है। अक्ल यही समझती है, बस इतना समझती है। अब किसी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अक्ल देख नहीं सकती। आप मेरे सामने किसी मशीन का नाम ले, मुझे जाते ही नहीं है उस मशीन का नाम, मैंने देखा नहीं। फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कंप्यूटर मैंने कभी ना देखा हो, तो मुझे ये नहीं मालूम कि कीबोर्ड बड़ा होता है या मॉनिटर, मुझे नहीं मालूम। अक्ल सलामत है मेरी, मैं ये जानता हूँ कि कुल बड़ा होता है, यानी ये जानता हूँ कि कुल मिलाकर मॉनिटर और उसका मशीन और सीपीयू और जो है जनाब वाला उसका माउस और प्रिंटर सब मिला के तो एक बड़ी दस्तगाह होगी, कुल होगा, मगर उसमें कौन सा जुज छोटा है, कौन सा बड़ा है, वाह 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 वाह, ये चीज अक्ल दर्क नहीं कर सकती जब तक के हवास का कदम दरमियान में ना हो। यानी अक्ल की पहली मजबूरी हवास है, अक्ल की पहली मजबूरी हवास है। महसूसात को अक्ल बराह रास्त बेला वास्ता दर्क नहीं कर सकती। आंख लाजिम है, आंख का नाम अक्ल नहीं है, अक्ल का नाम आंख नहीं है, आंख का नाम अक्ल नहीं है, अक्ल आंख नहीं है, आंख अक्ल नहीं है, अक्ल आंख की मोहताज है जुज़ियात के लिए, अक्ल कानों की मोहताज है मस्मूआत के लिए, अक्ल जबान की मोहताज है जायकादार चीजों के लिए, अक्ल हवास से खमसा की मोहताज है। तो अक्ल की बेचारगी देखी आपने? अल्लाह,
अभी मैं दीन और मजहब की बात नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी तो मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ अकल के सहारे से सब काम करना चाहे कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए सिर्फ अकल से काम लीजिए, कान बंद कर लीजिए सिर्फ अकल से काम लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए सिर्फ अकल से काम लीजिए, जिस्म से के हवा से खमसा जो हैं उनसे कोई काम ना लीजिए सिर्फ अकल से काम लीजिए, अकल आपकी मुअत्तल हो जाएगी, तातील छुट्टी। आपकी अकल की जरा सा हकीक सी ताबीर है मगर आप कबूल कर लीजिए, क्या करें छुट्टी हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी अकल। इसलिए पहली मजबूरी अकल की है, अकल की महदूदियत कि वो हवास की मोहताज है, यानी वो ये हुक्म लगा सकती है कि कुल बड़ा होता है जुज से, मगर ये नहीं देख सकती कि कुल है कौन सी शय और उसका कौन सा जुज बड़ा है कौन सा छोटा, उसके लिए आंख चाहिए अगर वो देखने वाली शय है, कौन सी बात बड़ी है कौन सी छोटी, उसके लिए अकल फैसला करेगी मगर हवास की मदद से। बस तेजी से आगे बढ़ जाऊं, बहुत तेजी से वक्त गुजर गया। अकल की पहली मजबूरी हवास, बेशक। और यही फर्क है साइंस और फलसफे में। लोग कहते हैं फलसफे का दौर नहीं रहा, मैं कहता हूं अब भी है, हमेशा रहेगा। साइंसेस जो हैं वो फलसफे के लिए वही निस्बत रखती हैं जो हवास से खमसा अकल के लिए। काश मेरे दानिश जू तालिब इल्म दोस्त जवान ये बात समझ लें, फिलासफी का इनकार न कीजिए, ये न कहिए कि अब फिलासफी की ज़रूरत नहीं, फिलासफी का दौर ख़त्म हो गया है, फिलासफी सिर्फ लफ्जी गोरख धंधा है, ऐसा नहीं है। फलसफा बमंजिला अक्ल कुल है, बेशक। और जितनी साइंसेज हैं वो उसके हवास हैं, हर साइंस से निचोड़ा हुआ एतर अकल महफूज रखती है, फलसफा महफूज रखता है। बहरहाल तो अकल और हिस का रिश्ता और राबिता अगर समझ में आया तो अब मैं दो एक मिसालें और दूं कि अकल ये फैसला जिस तरह करती है कि तनाकुज मुहाल है, ये मुमकिन नहीं है कि एक ही शय हो भी और ना भी हो, एक ही वक्त में एक ही आन में एक ही मकाम पर। उसी तरह अकल बिल इस्तिक्लाल मुस्तकिल तौर पर बगैर बिला शिरकत गैरे बगैर किसी वसीले के ये फैसला करती है कि शुक्र मुनिम वाजिब है, इनाम करने वाला एहसान करने वाला उसका शुक्र करना वाजिब है, ये अकल का फैसला है। मगर ये फैसला के इनाम कितना बड़ा है और उसका शुक्र अदा किया जाए तो किस तरह से, ये फैसला अकल नहीं कर सकती। ये फैसला कर सकती है कि जिसने भी तुम पर एहसान किया उसका शुक्रिया अदा करो, ये फैसला किसका है, अकल का। शुक्रिया कैसे अदा करें, शुक्रिये में क्या करें, कितनी बार अदा करें, ये फैसला अकल तन्हा नहीं कर सकती। अकल ने कहा मुनिम का शुक्र अदा करो, नबी ने कहा शाबाश, नबूवत ने कहा हम इसकी ताईद करते हैं, अकल ने कहा इतनी बात तो समझ में आती है हमारी कि मुनिम का शुक्र अदा करना चाहिए, यह समझ में नहीं आता कि कैसे अदा करें। नबूवत खड़े होके कहती अल्लाह अकबर कहो, सुजूद करो, ये कयाम और रुकू और सुजूद ये शुक्र मुनिम है। असल कजिया अकल ने तय किया, अकल की मुश्किल नबूवत ने हल की। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।
तवज्जो है जवानान अजीज, तालिब इल्मान किराम, दानिश जुयान अजीज हैं। बुजुर्गों से खिताब नहीं, ये तो इन मराहिल से गुजरे हुए हैं। शुक्र मुनअम वाजिब है, ये वाजिब नबी नहीं कह रहा है, नबूवत नहीं कह रही है, आकल कह रही है शुक्र मुनअम वाजिब है। ये एक मुस्तकिल कज़िया है जिसमें आकल खुद मुख्तार है। जो भी एहसान करे उसका शुक्रिया अदा करो, ये आकल का फैसला। अब कौन एहसान कितना बड़ा है, कौन एहसान छोटा है, किस एहसान का किस तरह शुक्रिया अदा किया जाए, कितनी बार शुक्रिया कहा जाए, कितनी देर खड़े रहें, कितनी देर झुकें, कितनी देर पेशानी सजदे में रखें, कहां सजदा करें, कहां ना करें, किसके लिए रुकू है, किसके लिए नहीं है, कहां कयाम है, कहां नहीं है, कहां सलात है, कहां सलाम है, ये उसी अकली तकाजे की तफसील है। और इस तफसील को कौन मुकम्मल करता है? नबूवत। तवज्जो है, मिसालें बहुत सी दी जा सकती हैं मगर अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक कजिया और सुन लीजिए, आकल बिल इस्तिक्लाल फैसला करती है, आकल का फैसला है। क्या फैसला है? दफ़े ज़रर मुहतमल, कोई भी किसी भी ज़रर का इहतमाल भी हो, अगर इहतमाल है, शक है, गुमान है, वन है। यहां शक इस्तिलाह फ़िक़्ही में नहीं इस्तेमाल हुआ था, वो अमूमी इस्तिलाह थी। अगर वन है, गुमान है, इहतमाल है, डाउट है कि हमें नुकसान हो जाएगा यहां जाकर, तो अकल कहती है कि इस नुकसान से बचना जरूरी है। ठीक है, अब अकल का यह फैसला मुस्तकिल तौर पर है कि नुकसान से बचना जरूरी है। नुकसानात इस दुनिया में ऐसे हैं कि कभी कभी जब तक कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नफा नहीं हासिल होगा। अब बहुत से मौके ऐसे आ सकते हैं जहां अकल कहती है मियां फायदा उठाना भी जरूरी है, नुकसान से बचना भी जरूरी है। तो यह तय करना होगा कि किस फायदे के लिए कौन सा नुकसान बर्दाश्त किया जाए और किस नुकसान से बचने के लिए कौन सा फायदा छोड़ दिया जाए। ये तफसील अकल हल नहीं कर सकती, इसके लिए नबूवत का कदम दरमियान में होना चाहिए। शुक्र मुनअम आकल का फैसला, कैसे शुक्र किया जाए नबूवत बताएगी। नुकसान से बचना आकल का फैसला, कैसे बचा जाए, कब बचा जाए नबूवत बताएगी। वाज़े है, कहां तक नुकसान बर्दाश्त किया जाए, कहां तक नुकसान ना बर्दाश्त किया जाए, कौन सी चीज अजीज है, कौन सी अजीज दर, कौन सी अजीज तरीन। ये मरातिब अक्सर अकल से हल नहीं होते, ये मराहिल तय नहीं होते, इसके लिए नबूवत चाहिए। और नबूवत आगे बढ़ती है और वो बताती है कि कौन सा फायदा तुम्हारे लिए जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। क्या नुकसान उठाओ, क्या नुकसान ना उठाओ। अब बात जरा जरूरी है मगर मिसाल देकर आगे बढ़ूं, अगरचे वक्त खत्म हो चुका मगर गालिबन आज तातील है, तो दो तीन जुमले और अर्ज कर दूं ताकि ये हमारे मुआशरती मसाइल की तरफ भी इशारा हो जाए। सिला रहम को शरीयत ने वाजिब करार दिया है, अजीज़ों रिश्तेदारों की मदद करना, और किसी हद तक अकल भी इस कज़िये को दर्क करती है। वाह 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 वाह, किसी हद तक वाह वाह वाह, कि हाँ हमें अपने अजीज़ों रिश्तेदारों कराबतदारों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए,
सिला रहम करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए। अब ये हुकूक की बहस चूँकि नहीं है इस वक्त, इसलिए सिर्फ एक जुमला कहकर आगे बढ़ूँगा। बाँ और बाप के हुकूक, बेटे के हुकूक, औलाद के हुकूक, भाई भाई के हुकूक, ये सब बिल्कुल हर घर का मसला है, हर घर का मसला है। ये मसाइल सिर्फ अक्ल तय कर सकती है। अगर अक्ल तय कर लेती तो मसाइल ही क्यों पैदा होते। मसाइल का वजूद बताता है। अच्छा, जितने घर हैं, जितने खानवादे हैं, जाइए, हैं, हर दिल की धड़कन यही है। एक भाई से मिलिए, कहता है मैं तो इस भाई को बहुत चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि ये भाई मुझे नहीं चाहता, ये मुखलिस नहीं है। दूसरे भाई के पास जाइए, यही तकरीर वो सुना देता है, साहब मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, मैंने बहुत इशार किया, बहुत कुर्बानी की, ये उसकी कदर नहीं करते। ये अकली मसाइल हैं, अकल तो है, हैं, अकली मसाइल हैं। यहाँ वही की जरूरत है, यहाँ नबी की जरूरत है, यहाँ इमाम की जरूरत है, यहाँ सरकार ज़ैनुल आबिदीन के रिसालतुल हुकूक को पढ़ने की जरूरत है। बस एक जुमला कहकर आगे बढ़ूं, एक जुमला। इमाम ने फरमाया एक जुमला तमाम घरों के लिए एक हदिया, एक जुमला यह है इमाम का कि तुम अपने भाई के लिए उतना नुकसान बर्दाश्त करो जितने नुकसान से पहुंचने वाला उसको फायदा बड़ा हो। वाह वाह वाह। और अगर उसको पहुंचने वाला फायदा कम है और उस फायदे के मुकाबले में तुम्हें पहुंचने वाला नुकसान ज्यादा है तो फिर उसके लिए वो नुकसान बर्दाश्त ना करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ईशार की खूह होनी चाहिए, ईशार कुर्बानी फिदाकारी का जज्बा होना चाहिए। और उसको कहीं नहीं कहा कि तुम दस्तबरदार हो जाओ, तौलो, वजन करो, देखो कि तुम्हें जो जरर और नुकसान पहुंच रहा है और उसे जो फायदा पहुंच रहा है, अगर फायदा उसका कमतर है तुम्हारे नुकसान से, फिर नुकसान ना बर्दाश्त करो, नुकसान बड़ा है। और अगर तुम्हारा नुकसान छोटा है, उसको बड़ा फायदा पहुंच रहा है, तो फिर उसको बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए अपना छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लो, कबूल कर लो। ये ना कहो कि आपके फायदे के लिए मैं अपना नुकसान क्यों करूं। अगर भाई के फायदे के लिए, अजीज के फायदे के लिए उसका कोई बड़ा फायदा है, दोस्त के फायदे के लिए, किसी इंसान के फायदे के लिए आपको कुछ छोटा सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो आप वो नुकसान बर्दाश्त कर लीजिए, ये इसलिए कि उसको बड़ा फायदा पहुंच जाए। इसके बरअक्स कज़िया हो तो फिर शरीयत मुकल्लफ नहीं करती, फिर शरीयत मुकल्लफ नहीं करती। बस तकरीर को बेरब्त यहां पर रोक रहा हूं। दो तीन बातें आपके सामने अर्ज की कि अक्ल कहां मुस्तकिल है। बेशक शुक्र मुनइम, बेशक परवरदिगार आलम सबसे बड़ा मुनइम और मुहसिन है, उसने इनाम किया, एहसान किया, अज़बाब लुत्फ व करम व फैजान व जूद व सखा उसने हमें वजूद अता किया, ये कायनात और तमाम लवाजिम वजूद अता किए, अब हम पर उसका शुक्र लाजिम है। अक्ल ने कहा, नबुवत ने बताया कहां तक शुक्र करो और कुर्बान हो जाइए उस नबुवत पर जिसने हसब ज़र्फ तकलीफ रखी, हसब ज़र्फ
आम इंसानों को शुक्र अदा करने के लिए कहा पांच वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, अल्लाह के वाजिबात की इताअत कर लो, लेकिन जो उलुल आजम अफराद थे जिस जिस में उस मकाम खत्म नबुवत ने में अपना परताव देखा, जहां जरफियत देखी वहां अलग से तकलीफें बढ़ा दी, ये वसीयतें, अली मेरे बाद तुम पर मुसीबतें पड़ेंगी, बर्दाश्त करना, हसन तुम्हारे जिगर के टुकड़े होंगे, बर्दाश्त करना, हुसैन तौहीद की खातिर तुम्हें जान दे देनी होगी, दे देना बेटा। हर एक को ये तकलीफ नहीं दी गई ना, इसलिए कि हर शख्स हुसैन बन नहीं सकता था। ये नबुवत का इनाम है और ये ज़वात मुकद्दसा दलाइल नबुवत हैं, ये निशानियाँ हैं, इनसे गाफिल ना गुजर जाइए। अली की ज़ात गिरामी से गाफिल ना गुजरिए, हसन और हुसैन से गाफिल ना गुजरिए, ऐसा ना हो कि आपकी मजलिसों में इनका जिक्र ही ना आने पाए, ऐसा ना हो कि दीन की बातें हों और इनके हवाले से ना हो, ऐसा जुल्म ना कीजिए, ऐसा सितम ना कीजिए, ऐसा सितम ना कीजिए, इससे आपका नुकसान है, इससे इंसानियत का नुकसान है। ये बरकात खत्म नबूवत हैं, अली हसन हुसैन अहले बैत। अल्लाह ने सब कुछ आपको दिया है, लेकिन आप सब कुछ अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते, सकत नहीं है, ज़र्फियत नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, मगर देखिए तो कोई है जिसकी ये हिम्मत भी है कि सब कुछ लुटा के कहता है हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, कोई हदिया तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन। अल्लाह हाथ खाली तेरे दरबार में आता है उसे, ये बैत मीर अनीस अलैहि रहमा की है, मगर कितनी सच्ची बैत, कितनी सच्ची है। उर्दू शुआरा में सबसे सच्चा शेर गालिबन अगर देखा जाए तो यही शेर होगा, और सच्चा होने के बावजूद इसमें शायराना दिलावेजी भी कम नहीं, बेपनाह शायराना दिलावेजी। सरकार सैयद शहदा की कैफियत रोज़ आशूरा यही थी, हाथ खाली तेरे दरबार में आता है, कोई हदिया तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन। ये हुसैन की कैफियत है, सदाए हाल है, जबकि क्या क्या हदिये पेश किए हैं हुसैन, क्या क्या कयाम हुसैनी है, क्या क्या रुकू हुसैनी है, क्या क्या सुजूद हुसैनी है। मैं फजाइल व मसाइब में फ़र्क नहीं करता हूँ, ये तो आपका जज्बे ईमानी है, जो फजाइल में भी गिरिया करते हैं आप, मसाइब में भी गिरिया करते हैं, वही बयान मुसलसल है। मैंने कहा आकल कहती है बिल इस्तिक्लाल शुक्र मुनअम वाजिब है, इनाम करने वाले का शुक्र, एहसान करने वाले का शुक्रिया वाजिब है, उसके लिए नबी ने कहा क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो। हमारे लिए क़याम और रुकू और सुजूद की एक ख़ास हयात मखसूस हो गई, मगर हुसैन का क़याम हुसैन का क़याम कौन कौन सा क़याम, कहाँ कहाँ का क़याम है, कितनी बार कितने लाशें उठाने के लिए हुसैन झुके हैं, हुसैन का रुकू गिनते चले जाओ।
ए हुसैन, रुकू ए हुसैन, अल्लाह अकबर, रुकू ए हुसैन। हर रुकू के बाद कयाम भी है। जब हर रुकू के बाद आप खड़े हों तो ये सोच लीजिएगा कि एक एक लाशा उठा के हुसैन दोबारा खड़े कैसे हो, कितनी हिम्मत चाहिए, कितना हौसला चाहिए, कैसी शजाअत चाहिए, कितनी बेपनाह दिल में कुव्वत चाहिए इस रुकू के बाद कयाम के लिए। कितने लाशें उठाएं? 72 लाशें कम से कम, बिनाबर मशहूर 72 लाशें, 18 जवानान बनी हाशिम के लाशें, 18 ये हुसैन ने उठाए हैं। हर बार लाशा उठाने के लिए झुके हैं, यह रुकू है हुसैन। और सुजूद हुसैन, कल मैंने मसाइब तो शिशमाहे के पढ़े मगर चूंकि मेरी ताकत खत्म हो जाती है एक चीज बयान नहीं कर सका कि ये शिशमाहा वो था कि जब शहीद हो गया तो हुसैन लेकर आए और पुश्त खैमा पर नन्ही सी कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद अपने इस दिल के टुकड़े को वहां दफन किया, तावीज़े कब्र बनाया और उसके बाद रुखसार रखकर इतना रोए कि कब्र तर हो गई और उसके बाद सुजूद हुसैन, उसके बाद फौज दुश्मन ने देखा हुसैन खड़े हुए और 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। शुक्र मुनीम, ए मेरे मुनीम, ए मुहसिन, ए कदीमुल एहसान, ए परवरदिगार, तेरा शुक्र के ये हदिया कबूल कर लिया। अजरकुम अल्लाह। पहचानो हुसैन कौन है? हुसैन शनासी अभी बहुत बाकी है। ये हुसैन जो मिन जुमले दलाइल खत्म नबूवत है, ये हुसैन। सजदा भी देख लिया ना, सजदा देख लिया, ये हुसैन का एक सजदा। बस आज एक रुकू और एक सजदा, आज गिरिया कर लीजिए। मुहर्रम की 6 तारीख हो गई, हमारी रिवायत के मुताबिक यहाँ पर जो कायम है आज अली अकबर का तज़किरा हो। ख़त्म नबूवत का जिक्र हो रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है, नबूवत के दलाइल पेश कर रहा हूँ। मालूम है अली अकबर कौन थे? ये आम शायरों का बयान नहीं है, ये साहिबान मक्तल का बयान नहीं है, ये मरसिया निगारों ने नहीं कहा, ये जाकिरों ने नहीं कहा है, ये दुश्मनों की फौज में खड़े होकर हुसैन ने कहा है। जब अली अकबर को रुख्सत किया तो हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, ए परवरदिगार अब इस कौम पर गवाह रहना, फकद बरज़ा इलैहिम गुलामान अशबहु बिरसूले अशबहु खल्कन अशबहु बिन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतिका।
बेरसूलेख ए परवरदिगार इस कौम पर गवाह रहना, अब वो जवान भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, खलकन व खुलकन व मंतिका अशबहुन्ना से बेरसूलेख, जो तेरे रसूल की शबी है। जुमला यही नहीं खत्म हुआ है। फरमाते हैं वकुन्ना इदस्तकना इला ज़ियारत नबी एक नबर नाइले। अरे जब भी हम मुश्ताक होते थे कि तेरे नबी की ज़ियारत करें तो हम इस जवान को देखते थे। ये हुसैन का वो कड़ियल जवान, हुसैन का वो कड़ियल जवान है जिसे भेजते वक्त हुसैन ने खुदा को गवाह बनाया। जवान गया और बेपनाह जंग की। और साहिबे नहवतुल हुसैनिया अल्लामा शहरिस्तानी ने लिखा है कि शक्ल सूरत में तो मुशाबह थे ही, मगर हुसैन ने अली अकबर को भेजने के लिए ख़ास एहतमाम और फरमाया कि अली अकबर के सर पर रसूल का अमामा बांधा। अली अकबर को रसूल की कबा पहनाई, अली अकबर को उस घोड़े पे बिठाया जो रसूल का घोड़ा था। रसूल की तलवार दी का जाओ बेटा इत्माम-ए हुज्जत के लिए। अली अकबर गए बेपनाह जंग की, बेपनाह। शान जंग ये है, तारीखें उठा के देखिए, शान जंग ये है कि वो फौज शकी जिसने सुबह आशूरा मुबारिस तलबी की थी, जिन्होंने हमले में पहल की थी, जब शबीह रसूल सामने आकर खड़ा हो गया तो मुबारिस तलबी कर रहे थे, कोई मुकाबले के लिए आने की जुरत नहीं रखता था। बाबे फजाइल में मैं पढ़ नहीं सका रसूल की शजाअत क्या। देखो रसूल की शजाअत, रसूल की शजाअत, मौका आएगा अर्ज करूंगा कल या परसों की मजलिस, लेकिन आज इस वक्त रसूल की शजाअत देखना हो तो यहां भी देखो। शबीह रसूल है, मुबारिस तलब है, आओ मेरे मुकाबले पे, कौन आना चाहता है आ जाए, कोई आने के लिए आमादा नहीं। यहां तक के जनाब अली अकबर ने खुद हमला किया, बेपनाह जंग की, बहुत सौ को कत्ल किया, लेकिन कत्ल करते जाते थे तो कुछ जख्म खुद भी खाते जाते थे। जख्म लग रहे थे जंग करते करते, अब हम तो समझ नहीं सकते जाने क्या दिल में बात आई कि पलट के बाबा की खिदमत में फिर आए। पलट के बाबा की खिदमत में फिर आए और आने के बाद कहा या अबा अल आताशो कद कतलनी, बाबा प्यास मारे डालती है, वस्तिकलुल हदीद अजहदनी और लोहे का वजन बहुत गरा है बाबा, क्या कोई सबील है पानी की। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला। ये मसाइब बार बार सुने होंगे मगर फिक्रों को बेदार रख के सुनिएगा, ये नादान का सवाल नहीं अली अकबर का सवाल है, ये कासिम का सवाल नहीं अली अकबर का सवाल है। अली अकबर को मालूम नहीं था खैमे में पानी नहीं है। अली अकबर को मालूम नहीं था कि बाबा की क्या कैफियत है।
अली अकबर आके कह रहे बाबा कोई पानी की सबील है? इस सवाल ने बताया अली अकबर जानते हैं बाबा हुज्जत खुदा है, बाबा चाहे तो मुअजजा दिखाकर सैराब कर सकते हैं, मगर ये मकाम जिहाद है, मकाम एजाज नहीं है। ये अली अकबर हैं जो अपने बाबा का मकाम सब्र दिखाना चाहते हैं। कैसा साबिर है बाबा, कैसा मुजाहिद है बाबा, जिहाद की क्या मंजिलें तय की हैं, सब्र और ज़ब्त की क्या कैफियत है, इख्तियार रखते हुए तसर्रुफ का इख्तियार, मुअजजा दिखा सकते हैं, करामतें जाहिर हो सकती हैं, मगर ये मकाम वो है जहाँ जिहाद करना है। तो हुसैन ने क्या कहा, बेटा पानी की कोई सबील कैसे कर सकता हूँ? बेटा अपनी जबान जरा मेरे मुंह में दे। जवान बेटे ने अपनी जबान बाप के मुंह में दी और खैची, बाबा आपकी जबान मुझसे ज्यादा खुश्क है। अजरकुम अल्लाह, शबीह रसूल पर गिरिया है, ये मसाइब रसूल पर गिरिया है, ये गिरिया बहिश्त की जमानत है अगर हक मारिफत अदा हो जाए, ये गिरिया बहिश्त की जमानत है अगर बाम मारिफत गिरिया हो। गिरिया करें और इमाम सादिक की बात याद रखें। इमाम सादिक का जुमला है कि जब मेरे जद्दे मजलूम का के मसाइब बयान हो तो बुलंद आवाज से गिरिया करो, दुनिया सुन ले हम हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। ये गिरिया बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये हुसैन पर गिरिया है। सुनो, हुसैन की जबान अली अकबर से ज्यादा खुश्क है। उसके बाद जब बेटे ने जबान खींच ली तो हुसैन ने अंगूठी उतारी, बेटा ये अंगूठी मुंह में रख लो, इस नगीने को चूसते रहो, कुछ राहत मिल जाएगी। बेटा फिर मैदान की तरफ गया और फिर बहुत से अफराद को कत्ल किया। कहते हैं रोज़ आशूरा, बाज रिवायतों में है रोज़ आशूरा 200 कत्ल किए हैं सिर्फ हजरत अली अकबर ने। क्या शजाअत है, क्या शजाअत है। लेकिन कब तक लड़ते हैं? प्यास की शिद्दत देखी, हुज्जत तमाम करनी थी। लड़ते लड़ते एक मर्तबा घोड़े पे डगमगाए, सामने से एक शकी ने आकर नैजे से सीने पे वार किया। ये सीना सीने अकबर नहीं, सीरे रसूल है। अकबर ने कहा या अबा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अभी ये ताबूत बरामद होगी, आप सब इस ताबूत का इस्तकबाल करें। क्यों? इसलिए कि हुसैन पहुंचे हैं। हुसैन ने बेटे को देखा और उसके बाद जब बेटे ने जान जाफरी के सुपुर्द कर दी तो हुसैन ने खैमे की तरफ निगाह उठा ली और खैमे की तरफ देखकर जो बनी हाशिम के बच्चे रह गए थे, जो नौजवान रह गए थे, उनको आवाज दी, बच्चों आओ आओ, अरे अकबर का जनाजा उठाओ, अकबर का जनाजा उठाने के लिए बूढ़े बाप की मदद करो, अब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।